हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज हम फिर चर्चा करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो चलिए शुरू करें। टी ट्यूब ड्रेनेज इज यूज्ड आफ्टर। टी ट्यूब ड्रेनेज किसके बाद यूज की जाती है? ए लोबेक्टोमी, बी अपेंडेक्टोमी, सी कोलिसिस्टेक्टोमी, डी इलियोस्टोमी। आंसर इज कोलिसिस्टेक्टोमी। टी ट्यूब ड्रेनेज टी के समान होती है। ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी के दौरान टी ट्यूब प्लेसमेंट आमतौर पर एक सरल प्रोसीजर होती है, जिसका उपयोग बिलियरी ड्रेनेज को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। कोलिसिस्टेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को रिमूव करना कोलिसिस्टेक्टोमी कहलाता है। और टी ट्यूब ड्रेनेज कोलिसिस्टोमी के बाद बिलियरी ड्रेनेज के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट मे अकर ड्यूरिंग फिनाइटोइन थेरेपी। फिनाइटोइन थेरेपी के दौरान कौन से साइड इफेक्ट नज़र आते हैं? गम्स ब्लीडिंग, ड्राई माउथ, ड्रोजीनेस, ट्रेकिकार्डिया। आंसर इज गम्स ब्लीडिंग। फिनाइटोइन एक एंटी कन्वलजेंट है, जो सर्जरी के बाद शुरू होने वाले सीजर्स को कंट्रोल करने या रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। फिनाइटोइन के जो साइड इफेक्ट है, हेडेक, सिरदर्द होना, नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस, ट्रबल इन स्लीपिंग, नर्वसनेस, स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स, ये फिनाइटोइन के कुछ साइड इफेक्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पेशेंट विद हेपेटाइटिस सी हैज जस्ट अराइव्ड आफ्टर ए लिवर बायोप्सी। एक पेशेंट लिवर बायोप्सी के बाद आया है जिसको हेपेटाइटिस सी था। विच एक्शन डज द नर्स परफॉर्म फर्स्ट। नर्स क्या कौन सा एक्शन पहले परफॉर्म करेगी? ए असेस प्री प्रोसीजर कोगुलेशन स्टडी, बी प्रोवाइड प्रेशर एट द साइट बाय पोजिशनिंग द पेशेंट ऑन द राइट साइड, सी डू ए डिटेल चेस्ट एंड अब्डोमिनल असेसमेंट, डी reinforced discharge teaching of allow activities। पेशेंट हेपेटाइटिस वाला था और लीवर बायोप्सी के बाद वापस आया, तो नर्स का क्या प्रायोरिटी रहेगी फर्स्ट? आंसर इज बी प्रोवाइड प्रेशर एट द साइट बाय पोजिशनिंग द पेशेंट ऑन द राइट साइड। हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन caused by a virus that attack the liver and leads to inflammation known as hepatitis C. virus contaminated blood संपर्क से फैलता है। जो ये हेपेटाइटिस का कारण है वायरस, ये contaminated blood के संपर्क से फैलता है। ज़्यादातर लोगों में कोई लक्षण नज़र नहीं आते। some people may have fatigue, नोजिया, लॉस ऑफ अपेटाइट और आंखों और त्वचा का पीला होना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ IUGR एक्सेप्ट। IUGR इंट्रा यूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। निम्न में से एक को छोड़कर सभी IUGR का कारण है। ए अनीमिया, बी प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, सी मेटरनल हार्ट डिजीज, डी गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। आंसर इज डी गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को होने वाली समस्या है। यह समस्या टेम्पररी होती है और प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में
होती है। GDM प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में होने वाली एक टेम्पररी समस्या है जो महिलाओं को अक्सर हो जाती है। प्रेगनेंसी फीमेल के शरीर में ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल के शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाने के कारण उसमें समस्या हो जाती है, जिसके कारण प्रेगनेंसी प्रभावित होती है और बच्चे के सेहत पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। हालांकि बच्चे को जन्म देने के बाद ब्लड शुगर लेवल आमतौर पर नॉर्मल हो जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान यदि फीमेल गेस्टेशनल डायबिटीज़ से पीड़ित हो तो उसे टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज टू सक्शन ए पेशेंट विथ ट्रेकेस्टोमी, व्हाट एक्शन इज एसेंशियल प्रियर टू इंसर्टिंग ए सक्शन कैथेटर। एक नर्स ट्रेकेस्टोमी वाले पेशेंट का सक्शन कर रही है, तो सक्शन कैथेटर ट्रेकेस्टोमी ट्यूब में डालने के पहले उसका प्रायर एक्शन क्या रहेगा। ए, क्लियर द माउथ एंड थ्रोट ऑफ सिक्रेशन। बी, लोअर द हेड ऑफ बेड। सी, ऑक्सीजनेट द ब्लड। डी, चेक द सक्शन प्रेशर। आंसर इज ऑक्सीजनेट द पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट विद ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम इज। ए, IV हाइड्रेशन। बी, एंटीबायोटिक थेरेपी। सी, RBC इन्फ्यूजन। डी, KCL इन्फ्यूजन। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट क्या रहेगा। आंसर इज ए, IV हाइड्रेशन। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम यानी कि TLS मेटाबॉलिक संबंधी अबनॉर्मिलिटीज का एक समूह है जो कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान कॉम्प्लिकेशन के रूप में हो सकता है। जब बड़ी मात्रा में ट्यूमर सेल्स को एक ही समय में ट्रीटमेंट द्वारा मार दिया जाता है, उससे उनके कंटेंट ब्लड स्ट्रीम में निकल जाते हैं। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड पोटेशियम, हाई ब्लड फॉस्फेट, लो ब्लड कैल्शियम, हाई ब्लड यूरिक एसिड। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान अकर होता है। यह एक ही समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्यूमर सेल्स को मारने के कारण होता है। ये मरीज ट्यूमर सेल्स ब्लड स्ट्रीम में जाके कलेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से होने वाला प्रॉब्लम ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन टू फाउंड द सीजर्स एक्टिविटी। सीजर एक्टिविटी के दौरान सबसे ज़्यादा कॉमन इन्वेस्टिगेशन कौन सा है। ए, CT स्कैन। बी, MRI। सी, EEG। डी, ECG। आंसर इज सी, EEG। EEG एक टेस्ट है जो ब्रेन की वेव्स या ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में अबनॉर्मलिटीज का पता लगाता है। प्रोसीजर के दौरान पतली वायर के साथ स्मॉल मेटल डिस्क से मिलकर इलेक्ट्रोड स्कैप पर चिपका दिया जाता है। इलेक्ट्रोड टीनी इलेक्ट्रिक चार्ज का पता लगाते हैं जो ब्रेन की सेल्स की एक्टिविटी से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द रॉन्ग स्केलिंग मार्कर इन GCS। ग्लास कोमा स्केल में रॉन्ग स्केलिंग मार्कर कौन सा है। ए, 5 वर्बल कमांड फॉलो।
B. 4 spontaneous eye opening. C. 6 eye opening. D. 6 motor response. Answer is C. 6 eyes opening. Glaucoma scale mein EVM, eyes, verbal, motor se conscious level ka pata kiya jata hai. E se, E ko 1 se 4 tak denote karte hain. 1 mein nil, koi response nahi hota. Pain par eye mein response hona 2 marks diye jate hain. बोलने पर आई में कुछ रेस्पॉन्स होना 3 दिया जाता है, स्पोंटेनियस के लिए 4 दिया जाता है. इसी तरह वर्बल में 5 तक होता है और बेस्ट मोटार के अंदर 6 तक होता है, यानी कि मिनिमम 3 मार्क्स मिलते हैं और मैक्सिमम 15 मार्क्स मिलते हैं. ईसीसीएस अनकॉन्शियस लेवल 8 से कम लेवल को अनकॉन्शियस की कंडीशन में रखा जाता है. तो ये थी हमारी आज की क्यूज. आपको कैसी लगे हमें कमेंट माध्यम से बताएं. थैंक यू.